हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरेंट यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूं कि आप जिस भी रिलेशन में हैं, फंसे हुए हैं, और आज का हमारा ये टॉपिक है कि आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का या मूव ऑन हो जाना चाहिए। मैं आज कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ आप सबके लिए। अगर ये रेजोनेट हो तो आप इसमें दी गई गाइडेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। और अनाउंसमेंट है एक मनी रेकी वर्कशॉप जो कि 15 जून से स्टार्ट हो रही है। अगर आप मनी की ब्लॉकेज को अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ आपकी मनी और प्रोस्पेरिटी, आपके जॉब और करियर के लिए रहेगी। इसमें मैं आपको हीलिंग बताऊंगी, ठीक है, मनी रेकी। और इनरोल कैसे करवाना है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस वहाँ पर जाके मैसेज करेंगे, आगे की जानकारी आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप में कि किस तरह से आप इनरोल करवा सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए। तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट ना करते हुए आती हूँ मैं रीडिंग पे, ताकि मैं बताऊँ आपको। कि आपको इस कनेक्शन में अभी रुकना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्या है गाइडेंस मुझे भी नहीं पता है। आप बस उस पर्सन का नाम सोच लें, अपना नाम सोच लें। आप दोनों के लिए ही मैं इसमें मैसेजेस निकालूंगी, आप दोनों की एनर्जी देखूंगी, ताकि आपको भी समझ में आए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके गाइस, चलिए। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आप दोनों के बीच में तो मुझे कोई दिख रहा है कि तीसरा पर्सन है, द सन। द सन कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में, देखो, थर्ड पार्टी तो मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, जिससे अब आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे मुझे कोई बच्चा भी नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, बेबी है, बेबी की बात है, ये उसकी लाइफ स्पॉइल ना हो जाए। ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके बीच में कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, बच्चे हैं बीच में। और मैसेजेस देखती हूँ मैं, आपकी भी एनर्जी देखती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपको कि आपको मूव ऑन करना है या फिर ब्रेकअप। तो आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इनके मन में आपके लिए इमोशंस तो हैं, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में तो है ये पर्सन, बट हो सकता है ये खुल के बताते नहीं हो आपको अपने दिल की बात। काफ़ी कुछ आपको ना इनसे उगलवाना हो तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ना मुझे बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जिनसे भी प्यार कर रहे हो, यहाँ पे मुझे इश्यूज ही थर्ड पार्टी दिख रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। और थर्ड पार्टी के साथ ये खुश भी नहीं है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। बट होता है कि लाइफ में कभी ना कभी कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो वही कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ये मुझे उनकी सिचुएशन दिख रही है। मैं आपके भी कार्ड्स निकालना चाहूँगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और आप जैसा कि आप बहुत ज़्यादा पक्की हो गए हैं, आपको भी अब मैसेज चाहिए कि क्लियर कट आपको बता दिया जाए, हाँ या ना। आप बस यही सुनना चाहते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप बहुत पेन में हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, दुखी हो चुके हैं, थक चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो, क्योंकि काफ़ी आपने यहाँ पे जो कार्ड्स दिखा रहे हैं ये कि थक चुके हैं। और इस पर्सन ने ना आपको कई बार ऐसा किया है कि बार बार बातों से पलट जाते हैं, और इन सब चीज़ों ने आपको तोड़ दिया है। यहाँ पे अकेले नज़र आ रहे हो मुझे, इस कार्ड ने दिखाया है। और वो कार्ड जो एनर्जी यहाँ पे है, यही है कि जैसे कि आप अब एंड करने चाहते हो, क्योंकि आप थक गए हो, आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है और बदले में आपको कुछ नहीं मिला हो इस रिलेशनशिप में, ये मुझे
आपकी एनर्जी दिखा रही है। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बात बात पे इन्होंने झूठ बोले हो आपको, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है कि ये जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, कई बार इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है कि दूसरे लोगों को आपके ऊपर रखा और हमेशा इन्होंने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है आपको, हमेशा होल्ड पे रखा हो, मुझे ये नज़र आ रहा है। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इन्होंने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दी, बोला फिर मुकर गए और धोखे मिले हैं आपको, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मुझे आपकी एनर्जी ने दिखाया है। और ये पर्सन कई बार बोलने से पहले सोचते भी नहीं है आपको, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ सपोर्ट आपकी तरफ से इस पर्सन को मिलता है। और एज डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, एज डिफरेंस है। बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी टू ऑफ स्वॉर्ड्स की है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस वक्त, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप रुकें या फिर वेट करें। यहाँ पे यही हमारी रीडिंग भी है, क्योंकि आप भी अब जवाब जानना चाहते हैं, मैं रुकूं या फिर वेट करूं। अब मैं आपको आपके इन सवालों का जवाब देने वाली हूं, आपको रुकना है या फिर वेट करना है। जो भी मैसेजेस आएंगे, जो भी गाइडेंस होगी एंजल्स की, मैं वो आपको बता दूंगी, ठीक है। कमिटमेंट, ये पर्सन कमिटमेंट देगा तो ज़रूर आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कमिटमेंट का ही कार्ड आ गया है तो कमिटमेंट ही इशू है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है, कमिटमेंट तो मिलेगी आपको। और यहाँ पे है शिवलरी कार्ड, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ऑफर देगा। कमिटमेंट इश्यूज जो अभी तक चलते आए हैं वो ख़त्म होने के मुझे दिख रहा है कि जो कमिटमेंट इशू है अब दोनों के बीच में होगा। और यूनियन के चांसेस हैं, प्यार है और आगे भी ये स्ट्रॉन्ग मुझे बॉन्डिंग नज़र आ रही है। और मैं यही बोलूँगी कि आप इंतज़ार कर सकते हैं इस पर्सन का, ठीक है, आपको वेट करना चाहिए। देखो यहाँ भी ये दिख रहा है कि जब तक ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है तब तक आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट में ये डिले दिखाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों के बीच में से निकल के आ पाना आपके पर्सन के लिए इतना इजी नहीं है। दिख रहे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, यूनियन के चांसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है। बट नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको इस रिलेशन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यू आर रेडी इन अ नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में यस, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, हाँ करेगा, आपको बोलेगा। और जो बातें वो अभी नहीं बोल पाते हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं, ये पर्सन वो शेयर करते हुए नज़र तो आ रहे हैं आपके साथ। एंजल मैसेज आपके लिए यही है, बट एक साल के बाद, एक साल के अंदर नहीं होगा ये, एक साल के बाद मुझे कुछ ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं आप दोनों की ज़िंदगी में कि ये पर्सन आएगा, आपको प्रपोजल भी देगा और एक्सेप्ट भी करेगा। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।